जिस गोराइया को कुछ समय पहले तक घर आंगन में देखा जा सकता था वो किताबों में सिमट गई, लेकिन मुंबई के एक इलाके के बाशिंदों ने अपनी अनोखी कोशिश से गुम होती गोराइयों को वापस घर आंगन में लौटने के लिए मजबूर किया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चों का घर आंदा नहीं, ये वो शय है जिसे बड़ी हसरत से संजोया गया है। इमारतों को गगनचुंबी बनाने के फेर में आदमी इस कदर उलझता गया कि घर आंगन में फुदकने वाली गौरैया की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। जब तक ध्यान जाता तब तक वो महानगर छोड़ चुकी थी। इसके बाद उसे बुलाने की कोशिशें शुरू हुई। मुंबई के लोअर परेल की एक सोसाइटी गॉड गिफ्ट टावर के बाशिंदों ने गौरैया के लिए बड़े जतन से घर का बंदोबस्त किया और किताबों में सिमटने वाली गौरैया वापस घर आंगन में फुदकने लगी। हमें ऐसा लगता है कि चिड़िया हमारे पोतियों को बुक्स में या पुस्तकों में ही देखने मिलेगी। उस वक्त हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसे चिड़िया का हम रख रखाव कर सके। फिर हमने सोचा कि हम एक छोटा सा चिड़ियों का घर बनाते हैं, और चिड़ियों का घर बनाने से ऐसा हुआ कि अब यहाँ पे 100 से 150 चिड़िया आती है, वो खाना खाती है, अपने दाने चुगती है, पानी पीती है और शाम को अपने घर लौट जाती है। कंक्रीट के जंगलों में गौरैया की आवाज सुनना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन सोसाइटी के बाशिंदे भी अपने संकल्प पर अडिग थे। नासिक से खास बर्ड नेस्ट और बर्ड फीडर की सेवाएं ली गई और नामुमकिन मुमकिन हो गया। आज के जमाने में जो हम लोग दिन भर भागदौड़ करके आते हैं और ये जो बाहर पोल्यूशन है, रेलवे का आवाज, गाड़ियों का आवाज, उसके बावजूद भी सुबह हम लोग हमारे बच्चों को अगर स्कूल में छोड़ने जाते हैं और यहाँ चिड़िया जो दाना चुगते हैं हम लोग उसे देखते हैं, तो एक बहुत अच्छा महसूस होता है। और इसी वजह से कि जो हमने आवाज गांव में सुनी थी, मेरे गांव में मैंने सुना था, और वही आवाज आज बॉम्बे जैसे अर्बन एरिया में मैं अपनी सोसाइटी में देखता हूँ। गॉड गिफ्ट सोसाइटी की कोशिश ने साबित कर दिया कि अगर प्रयास किया जाए तो गुम होती गौरैया की चहचहाहट वापस हम सबकी जिंदगी में मिठास घोलने के लिए लौट सकती है। मुंबई से कुणाल जाधव, सहारा समय।